हाँ फ्रेंड्स, देखो हमने कल क्या बात की थी कि हमने ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब वाला जो फॉर्मूला देखा था, ठीक है। तो अगर आपको आया समझ में तो भाई हम वहाँ पे देखो थोड़ी सी हमारे पास क्या हुई थी मिस्टेक, कि मैं आपको जो फैक्टर लिख रहा था वो 2 था, अब लास्ट में लिख दिया क्यूब। तो यहाँ पे आप यहाँ पे अटेंशन ना लेना, यहाँ पे आपका 2 ही है, लेकिन ये होगा नहीं, ठीक है ना। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है वो, बस ये आपकी एक ये थोड़ी सी थी माइनर प्रॉब्लम थी, हमने सोल्व कर दी, ठीक है। अब देखो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो भाई इसको लाइक करें प्लीज, और इस चैनल को क्या करें, शेयर करें। ये आपका ही चैनल है, और यहाँ पे जो भी मेंस का एग्जाम हुआ है ना उसकी आंसर की आने दो, सबसे पहले जो सोल्यूशन होगा वो इसी बोर्ड पे होगा, इसी बोर्ड पे याद रखना। रीजनिंग का आरपी भाई आपको करवाएंगी और मैथ का मैं कराऊंगा। हाँ अभी आईसीएआर का एग्जाम हुआ है उसका आपको रीजनिंग भाई, आरपी भाई आपको उसकी रीजनिंग सोल्व करवा देंगे, ठीक है। और उसकी मैथ 1 नंबर की मैथ आई है वो मैं आपको मैं कराऊंगा, ठीक है। हाँ उसमें आपके ये नहीं आए घिसे पिटे सवाल जो हमेशा आते वो नहीं आए, ठीक है। हाँ अब चलो एक थोड़ा सा आसान सा सवाल हम देखते हैं आज कि पहली क्लास में, कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान 23 है, तो x³ + 1/x³ का मान बताइए। इसके ऑप्शन क्या क्या होंगे, ए 140, बी 110, सी 98 और डी 112। तो क्या करना है अब देखो भाई, ये सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है 18/4, और किस में है, SSC 18/4/2022 शिफ्ट नंबर 1 में आया है, देख लो। अब क्या करना है इस सवाल में, कि भाई हमको x² का मान दिया हुआ है तो हमें इसका मान निकालना है। बिल्कुल, इसका मान क्या होता है, x² + 1/x² + 2 होता है, ठीक है। इसका मान हमें निकालना है, बिल्कुल निकालना है। तो इसका मान 23 होगा, 23 और 2 25 होगा, तो 25 का x + 1/x का मान क्या आएगा, 5 आएगा। अब आपको मैंने बताया था कि अगर x + 1/x का मान 5 है तो x³ का मान क्या होगा, क्या होगा भाई, k³ माइनस का 3k होगा, ठीक है, 3k होगा, k³ 125 होगा, माइनस का 3 × 5 होगा, तो आंसर क्या आएगा, 110। ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, अभी ऑप्शन इज राइट है, तो ये होगा आपका सवाल। ओके आया समझ में, आया देख लो, अब तो आया समझ में। ओके भाई अब देखो अगला सवाल हम देखते हैं क्या होगा। हाँ भाई अभी तो आपको क्यूब के मैं कराऊंगा बहुत सारे सवाल, एक दो नहीं अब बहुत सारे सवाल हैं। अब देखो आज मैं आपको नया फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है। सेकेंड नंबर a+b+c का स्क्वायर क्या होगा, तो ये होगा a² + b² + c² माइनस का 2ab+bc+ca, ये होगा भाई, ठीक है। हाँ लेकिन आपके एग्जाम में ऐसे नहीं आता, वो क्या पूछेगा आपसे, a² + b² + c² बताइए, तो क्या होगा, a+b+c² प्लस में 2ab+bc+ca, ये होगा। ठीक है जी, हाँ अब हमको चाहिए ab+bc+ca, क्या मान होगा, a+b+c²
ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस का ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बाई टू। तो आपको ये तीनों याद होनी चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। हाँ, अब आपको दिक्कत है सवाल में, ये इन इन फॉर्मूले में। अब देखो अब भाई, मैं आपको इस पे जो सवाल आया वो मैं आपको निकलाता हूँ। देखो सवाल आया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान दिया हुआ है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान दिया हुआ है, और क्या क्या पूछा है आपसे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का थ्री एक्स वाई जेड, इसका मान आपसे पूछा है। और क्या क्या दिया हुआ है, सात आठ, हाँ सात दिया हुआ है और ये आठ दिया हुआ है, ठीक है। अभी ऑप्शन होंगे 200, 150, 125, 200, 150, 125 और 175। अब देखो भाई क्या क्या करना है इस सवाल में, हमें भाई x प्लस वाई प्लस जेड का मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है, हमें क्या रखना है इस फॉर्मूले में, आपको मान रखना है। तो क्या करना है आपको, देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का थ्री एक्स वाई जेड, अरे वो क्या मान होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स। आप कहोगे सर बिल्कुल अच्छी बात है, चंगी बात है, तो भाई सब चंगा, तो देखो क्या करना है भाई सब चंगा, तो अब देखो क्या करना है, ये करना है अपन को, ठीक है, इसका मान सात दिया हुआ है, हाँ सात का स्क्वायर 49, इसका मान आठ दिया हुआ है, आठ दिया 24, तो 24 गए तो 26 नहीं 25, 25 सात 175, तो मान क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का थ्री एक्स वाई जेड का मान क्या होगा, 175। डी आंसर इज राइट है, क्या है, डी आंसर इज राइट है। अब देख लो कोई दिक्कत है सवाल में, ये सवाल आया आपका कहाँ है अरे, अच्छा अच्छा एसएससी सीजीएल 19/4/2022 शिफ्ट 1। अब देख लो आपको मैं ये कोई नहीं, आपको मैं कोई 5 साल के सवाल नहीं, आपको मैं बिल्कुल जो लेटेस्ट है ना 22 के सवाल कर रहा हूँ, देख लो, और इतने आसान सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए, आप देख लो क्या होगा इस सवाल में। सिर्फ आपको ये याद होना चाहिए कि इसका क्या होता है फॉर्मूला, है ना, हाँ। रोक दिया ना, अब देखो अगला सवाल देखते हैं भाई, क्या दिया हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 218, ए प्लस बी दो है तो रूट में आपको बताना है भाई, ए प्लस बी दो है तो रूट में क्या बताना है, वन माइनस का रूट ए बी, वन माइनस का रूट ए बी बताना है, इसके ऑप्शन क्या होंगे, 5 क्लास होना है ना हैदर जी, क्लास होना है ना, 5 4 3 5 4 3 6, अब भाई ये ऑप्शन है, देख लो 5 4 3 6, तो एक मिनट पानी पी लेता हूँ। अब देखो भाई क्या करना है इस सवाल में, आपको ए बी निकालना है, सिर्फ आपसे क्या पूछ लिए, ए बी, आप इस पे ध्यान ही मत दो,
रूट वूट ये सब आपको, देखो आपको जो रूट ए पूछता है ना, रूट ए पूछता है आपको डराने के लिए बस, और इसका कोई मकसद नहीं एग्जामिनर का, ठीक है। आपको निकालना, आप ध्यान दो इस पे, ऐसे एक आशिक की नज़र होती है ना, तो आपको वैसे ध्यान नहीं, आपको ए बी पर ध्यान देना है। हाँ, कि आपकी ये दो फ्रेंड है ए बी, आपको इनको बाहर निकालना है। अब आप इनको कैसे निकालोगे बताओ मुझे भाई। आपको आपको दिख रहा है कि ए क्यूब भी दिया हुआ है, और लगा दो आपको ये फॉर्मूला, तो ए प्लस बी क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी सी और ए प्लस बी, ये आपको ए बी दिख गया बस। अब आपको दिखते हैं आप क्या छोड़ोगे, नहीं अब नहीं छोड़ेंगे हम यहाँ पे, तो क्या होगा इसका मान दो होगा। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, इसका मान तो एट होगा ना, दो क्यूब एट होगा, ठीक है। इसका मान आपको निकालना है, हाँ इसका मान, ये मान आपको देखो क्या दिया हुआ है, 218 दिया हुआ है, इसका मान आपको निकालना है, इसका मान आपको दो दिया हुआ है, ठीक है। हाँ ए प्लस बी आपका दो ही दिया हुआ है ना, हाँ बिल्कुल सर दो ही दिया, तो ये एट हो गया। अब देखो यहाँ से क्या होगा, एट गया तो यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से होगा 6ab 210, हाँ ये 30 आ गया, ये ab का मान क्या आ गया सर, माइनस का 30 आ गया, क्या आ गया माइनस का 30 आ गया भाई, ठीक है। 6 3 18 21 6 75 यार, अब 35 आ गया, 35 क्या आ गया 35, ठीक है माइनस का 35 आ गया, ठीक है। अब हमें ये ए बी का मान यहाँ पे पुट करना है, माइनस का 35, अब कर दो मान पुट, एक माइनस का 35, तो मान क्या होगा, एक एक प्लस में 35 क्या होगा 36, तो इसका मान क्या आएगा 6, तो मान कितना आ रहा है 6, और डी ऑप्शन इज राइट है, 6 मान आ रहा है, चल रुपये, तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास भाई, डी ऑप्शन ही अच्छा आ रहा है। तो बस तो ये आपकी नज़र ऐसी होनी चाहिए बाज की से बिल्कुल, बस आपको डरना नहीं है एग्ज़ाम में ना, ये बहुत आसान सवाल होते हैं एग्जामिनर के लिए। अब देखो आपको क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस 11 दिया हुआ है, अरे यार क्यों हो गया, ए प्लस बी प्लस 11 दिया हुआ है, हाँ और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपको 28 दी हुई है, हाँ तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc निकालना है। ऑप्शन क्या क्या है इसके, ऑप्शन देखो, ऑप्शन है भाई, ओह भाई ऑप्शन तो आपको यहीं पे लिखने पड़ेंगे, देखो 407, अरे यार क्या होगा 407 1639 2255 और 1093, यार क्या ऑप्शन है, हम तो ऑप्शन को देख के डर गए भाई, हैं हाँ। अब देखो क्या निकालना है इस सवाल में, ये निकालना है, तो यार ये तो वही हो गया फॉर्मूला बेस्ड सवाल, क्यों आपको रखना क्या है यहाँ पे, देखो अरे यार ये बोल गया भाई, हाँ ये मार्कर में शाही नहीं है भाई बिल्कुल भी, मार्कर ने जवाब दे दिया, बताओ क्या करें, अब तो चैनल को लाइक कर दो भैया, बेचारा मार्कर भी बोल रहा है भाई प्लीज लाइक करो, ये इतनी मेहनत जो कर रहे हैं, बताओ ये होता है हमारे पास फॉर्मूला, आप कहोगे बिल्कुल सर ये होता है, इसका मान निकालना है, इसका मान कितना है 11 का स्क्वायर 121 माइनस का 28 56 88 84 11 80 और 40 120 तो 40 41 4 37 कर दो गुणा 7 407
ऑप्शन इज ए आंसर बस। तो अगर आपको ये याद है ना तो आपको एग्जाम में लिखना नहीं है ये ना, आपको सिर्फ इतना लिखना है ये वाली स्टेप ये वाली, तो आपका दो स्टेप में आंसर होगा, मतलब दो सेकंड में आपका आंसर होगा, देख लो दो सेकंड में बस, आपको लिखना नहीं एग्जाम में नहीं। अगला सवाल और देखते हैं भाई। अब बच्चे देखो इस सवाल की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है, क्या है ऐसा इस सवाल में मेरे को नहीं पता चल रहा, मैं इनको सबसे आसान क्वेश्चन मानता हूँ, मैं क्यों मानता हूँ देखो अभी मैं आपको बताऊँगा। ऑप्शन क्या क्या होंगे देखो, चलो भाई यानी बस यहां पे आपको रूट घुसा दिया और इसने कुछ भी नहीं किया सवाल में ना। अब यार रूट का तो आप यार कर ही सकते हो ना भाई, क्यों? अब देखो यानी आपका आपका ये सवाल कुछ भी नहीं है, देखो आपका जो ये सवाल है ना ये है ए क्यूब आपको दिया है बी क्यूब आपको दिया हुआ है, आगे क्या है ए प्लस बी दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, तो भाई इसी से तो आपको क्या करना है कंपेयर, देखो ए क्यूब की जगह ये वाला मान, बी क्यूब की जगह ये वाला मान, ए की जगह ये वाला मान, बी की जगह ये वाला मान, ये मान आपको दिए हुए हैं बस, तो क्या करना है देखो ए का मान क्या होगा रूट छः होगा, ठीक है हमारे पास, तो यहाँ पे लेकिन भाई हमको एस एम एन के मान निकालने हमको, ठीक है एस एम एन के मान निकालने हमको, ठीक है तो भाई उसका मान हम कैसे निकालें भाई, हाँ आपको बस तुलना इससे करनी है। अब देखो कैसे करेंगे, देखो ये भाई एस का ही तो मान है वाला भी, हाँ ये एस का है और ये हमारे पास क्या हमको क्या करना है, सिर्फ आपको वेरिएबल लगा दिया पी और क्यू, अब पी का स्क्वायर क्या होगा इसका बताओ मुझे, सर इसका स्क्वायर होगा छः, छः होगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो अगर मैं इसकी इसको मैं लेता हूँ सर, तो देखो अब पी का मान कितना है रूट छः, स्क्वायर क्या होगा छः होगा, तो छः पी स्क्वायर ठीक है, प्लस एम का बाद देखो रूट दो है स्क्वायर क्या होगा दो, दो क्यों स्क्वायर, माइनस का क्या होगा अब देखो रूट दो रूट छः कितने होंगे रूट ट्वेल्व होगा पी क्यू, तो हमने ये कर दिया। अब कर दो अतुलना, एस की जगह क्या है छः है, एम की जगह दो है और एन की जगह रूट बारह है बस, अब कोई दिक्कत है सवाल में, अब आप कहोगे सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है सवाल में, क्यों नहीं है देखो आपको चाहिए एस का एस स्क्वायर चाहिए, एस स्क्वायर क्या होगा छत्तीस छः का स्क्वायर, एम स्क्वायर चाहिए आपको एम स्क्वायर क्या होगा चार, अब आपको दो एन स्क्वायर चाहिए, पहले एन स्क्वायर कितना होगा बारह और दो चौबीस, तो छत्तीस और चार चालीस और बीस साठ और चार चौंसठ, मान कितना आएगा रूट चौंसठ, तो चौंसठ क्या होता है बताओ
सर आठ का वर्गमूल होता है, आठ का वर्गमूल, तो आठ आंसर ये आपका डी वाला था। देख लो बस आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे कंपेयर क्या करना है आपको, कंपेयर करना है, क्या करना है आपको भाई यहाँ पे कंपेयर बस, और आपको कुछ भी नहीं करना है सवाल में, ठीक है। हाँ बताओ, आया सर, आया समझ में, बोलो आया क्या समझ, बोलो। अच्छा चलो आगे, अब देखो तुझो मेरे साथ फिर क्या बात है। अब देखो जी, आपको, हाँ यार याद आ गया, मैंने आपको ये सवाल दिया था ना करने के लिए, और क्या वो बताओ हैं, ए प्लस ए, ये मैंने तो दी, ये आपका लास्ट सवाल है सीट का, क्यूब इज इक्वल टू 16, जहाँ पर ए क्या है, अशून्येतर वास्तविक संख्या, अशून्येतर वास्तविक संख्या, तो आपको क्या निकालना है इसका मान, तो बता आपको दिया था सवाल ये, क्या हुआ एक भी नहीं करके लाएगा सवाल ये वाला। ऑप्शन देखो, भाई अब देखो क्या करना है इस सवाल में, अब देखो अब देखो भाई क्या करना है आपको मैं बता दूं, मैं यानी a प्लस वन बाई ए आपको दिया हुआ है प्लस थ्री इज इक्वल टू 16, दोनों तरफ रूट लेने पर मान क्या आएगा, प्लस या माइनस 4। अब देखो अगर हम भाई प्लस का 4 हम लेते हैं ना, तो a प्लस ए का मान आएगा 1। अब सुनना ध्यान से, a प्लस ए का मान आएगा 1, स्क्वायर करेंगे तो मान क्या आएगा बताओ, माइनस का 1, ठीक है, ऑप्शन में नहीं है। दूसरी बात, आपको ये बोल दिया अशून्येतर वास्तविक संख्या, मतलब आपको वास्तविक संख्या भी आप ले सकते हो माइनस का, तो हमने प्लस का लिए नहीं हो रहा, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, मजबूरी माइनस का, बस इस सवाल में यही लॉजिक है, आपको माइनस का 4 आपको लेना होगा। याद रखना, अगर हम कभी भी देखते हैं ना कि 4 का देखते हैं 4 का वर्गमूल, तो आप लिखते हो अजरनली 2, नहीं ये गलत है, प्लस या माइनस 2 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ही ये बातें याद रखनी है आजकल मैथ में, तो माइनस का 4, ए प्लस ए को इधर भेज दो, आप कर दो इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर चाहे प्लस का करो चाहे माइनस का, कितना होता है भाई, प्लस का 49 होता है, लेकिन आपको 2 घटाओगे, क्यों, आपको लिखाया था मैंने कि अगर x प्लस 1 बटा x का मान k दिया हुआ है, तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का मान क्या होगा, k स्क्वायर माइनस का 2, तो हमने वही किया, आंसर कितना आया 47, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखो बस इस सवाल में लॉजिक यही था कि आपको यहाँ पे माइनस का 4 आपको लेना है, और कुछ भी लॉजिक नहीं था सवाल में, वो होता कोई दिक्कत है सवाल में, हम नहीं है ना, नहीं। चलो अगला देखते हैं भाई, देखो हम अगला सवाल हम देखते हैं भाई, जो आज का लास्ट होगा सवाल, क्या होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 65, ए बी क्या होगा 8,
ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन जीरो होगा, तो बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान बताइए। ठीक है, हाँ ये होगा एक सवाल। ठीक है, आपको अब ये बताना है, अब ये बताओ क्या होगा इस सवाल में। ऑप्शन देखता हूँ मैं क्या होंगे, कहाँ गए हो, 65, 72, 60, 63, 65, हद है यार, 65, 72, 60, 63, ए बी सी और डी, अब बताओ क्या होगा इस सवाल का आंसर। हैं जी, क्या होगा तो क्या होगा सवाल का आंसर हो तो? मैं यहाँ पे थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब देखो जी, हमको निकालना है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो क्या होता है भाई, ये होता है ए प्लस बी और होता है ए माइनस का बी। आप कहोगे सर बिल्कुल होता है, तो हमें ए प्लस बी भी निकालना है, ए माइनस बी भी निकालना है। अरे भाई क्या करें, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, तो एक हो गया तरीका। दूसरा क्या है, यहाँ से आप क्या कर दो, वैल्यू पुटिंग वाला क्या कर दो, वैल्यू पुटिंग करके, तो वहाँ से आप ए व बी के मान निकाल लो, ए बी को। अब देखो यानी एग्जामिनर ने क्या किया है, हमारे साथ क्या गेम तो नहीं खेला, क्यों, हमको चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 65 और ए भी चाहिए हमको 8, तो बताओ क्या करें। अब आप कहोगे क्या क्या करें भाई, अगर मैं ए का मान 8 ले लूं, बी का मान मैं 1 ले लूं, तो क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, 1 क्या होगा 65 होगा। यार ये तो हो गया सेटिस्फाई भाई, बिल्कुल हो गया, ए भी 8 आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका 65 आ रहा है, तो हो गया सेटिस्फाई भाई। तो बस, तो अब ए का मान क्या हमारे पास, 8 का स्क्वायर 64, तो बी का मान क्या 1, तो आंसर कितना आएगा, 63। देखो एक लाइन का सवाल था ये, डी आंसर, ठीक है। हाँ लेकिन अगर हम इसको देखें कि हम इससे निकालेंगे फॉर्मूला से, हाँ कि भाई कई लोग होते हैं सर बेसिक बेसिक बेसिक, ये भाई इतना बेसिक में मत जाओ कि फिर इसको सर हमें तो बेसिक से वो करनी शादी वो है पत्ते वत्ते लगा के, तो भाई इतना बेसिक मत जाओ, ठीक है। चलो देखते हैं इसका बेसिक क्या होगा, है ना। अब इसका बेसिक देखो, अब यहाँ से आपको ए प्लस बी चाहिए, अब बिल्कुल निकाल लेंगे, क्या हो गया ए प्लस बी क्या होगा, 65 होगा, यहाँ पे प्लस 2 कितना होगा है, यहाँ पे देखो प्लस 2 कितना होगा, 8 है, 8 होगा, तो 65 प्लस 16 होगा, 81 होगा, तो ऐसे ए प्लस बी का मान क्या आएगा, 9 आ गया भाई, ए प्लस बी का मान कितना आ गया, 9 आ गया। अब हमें ए माइनस बी का मान निकालना है, निकाल दो, 65 है माइनस का 2 इंटू 8 होगा, तो 65 माइनस का 16 49 होगा, ठीक है। तो ए माइनस बी का मान क्या होगा, 7 क्या होगा, ए माइनस बी का मान कितना होगा, 7 होगा भाई, ठीक है। ए प्लस बी का 9 हो गया, ए माइनस बी का मान क्या हो गया, 7, ठीक है। अब दोनों के मान आ गए ना, ठीक है, अब दोनों के मान आने के बाद क्या करना है, ए माइनस बी का मान क्या आ गया हमारे पास, 7। ये हो गई एक समीकरण, ये हो गई दो समीकरण, दोनों को जोड़ लो, जोड़ोगे जब मान कितना आएगा, 16, ए का मान क्या आ गया, 8, दोनों को घटा दो मान क्या आएगा, 2, 2 बी का मान, बी का मान आ गया 1। तो देख लो ये ए और बी के मान आ गए, अब रख दो, 8 का स्क्वायर 64, 1 का ये तो 63। तो ये आपका बेसिक सोलो, बिल्कुल आपको बेसिक इसका पता है, तो आप इसको वैल्यू पुटिंग से बना सकते हो, इसको बेसिक से बना सकते हो। देख लो आपका वैल्यू पुटिंग से एक लाइन का, अगर आपका बेसिक का है ना, तो आपका देखो भाई बेसिक आना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि बेसिक, देखो उससे एक लाइन का सवाल हो गया, आपको यहाँ से ए प्लस बी निकालना पड़ेगा पहले, फिर ए माइनस बी निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको दोनों को घटाना पड़ेगा, उसके बाद आंसर आएगा, ठीक है। तो ये तो भाई आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये आपको पता चल रहा है कि हमारे ज्ञान में अगर इतनी सी वृद्धि हो रही है, तो भाई प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और मेरी वीडियो को वो शेयर करें।
धन्यवाद भाई, जय हिंद जय भारत।